दरवाजे सारे पिंड इकट्ठा हो गया। मैं भी कुदरती फिरदा फिरदा उत्थे चले गया, वो लम्बड़दार के पीछे खड़ गया। मैं उन्हें गल च पला पा रहा, हथ बने कहने लगे भी गुजरां के बच्चे कहने आ, इन्होंने मुसलमान रखो, इन्होंने सिख बना लो, इन्होंने जो कुछ मर्जी कर लो, मारो ना। मेरा हाथ बन के सवाल है। वो 10 मिनट चुप करके कहने लगे लंबड़दारा कल नूं ऐसे वेले असीं मार देने, अपना चारा कर ली। पिंड वाले ने कहा, पिंड वाले सारे ने कहा कल नूं ऐसे वेले असीं ये मार देने, अपना तू चारा कर ली। मैं तेनों ये कहना जी इन्हां दे विचों एक बच्चा ही भुर गया, मैं क्या मंदे ल्याड़े मूँह नहीं दिखाउणा तैनूं। नस्ली बंदे सी हो बाबा जी, कहना मूँह नहीं दिखाउणा, कहना तेरा आर्डर हो गया, मैंने पिंड सारा फूकना पवे, मैं फूकना एक ना कर। यकीन कर जेड़े अगर टाइम दिता तो उसे वक्त आ गए वो बंदे, सारा ही पिंड। अच्छा। बरछे फड़े, कोई किसी ने कुछ मारिया, नारा रख के। मिल्टरी आ गई तो दुनिया आए आ गई, जानी कीड़िया को दुनिया दिखती थी। 4 छपेरे इन्ना मुल्क आया उन्होंने मारन वास्ते उस पिंड नूं। बस फिर शाम को दिन छिपने से पहला शुरू करती इन्होंने गोली। सारी रात फूकते रहे, घर फूकते, अग लाते, जनानियां मार छाला मार गई अग च। अच्छा। एक खूह था मसीत के विच, बहुत दूर पानी था। वो मसीत के उत्ते मैं खड़ के देखा, हेठों आवाज़ मारदियां थी भी उत्तों छाल ना मारे, हुण नहीं डुब्बण दा। एक खूह भर गए थे उहदे नाल पिछे का एक जट हो, तेन मैं दसदा पलवान, उहदे कोई वर्षा था, वह सहारा नहीं आया, फिर उन्होंने लगी गोली। अच्छा। जट नूं कमार दे उले बैठा था, उन्हें मारिया फायर, छरले लगे उहदे। अच्छा। 200 छरला उहदे पिट च लग्या, वो गोडियां पार डिग गया। मेरे चाचे नूं कहंदा भी पिछे ना हटी, हुण कहंदा अगे तां पेशाब नहीं लंघदे, इन्हां नूं कहंदा तूं तोरो गां। वो लड़ गया जी, पिंड सारे उठ के चले गए, कोई किधर चले गया, आप अपने गए। लंबड़दार बैठे रह गए। लंबड़दार ने कहा उन्हें साउंड सुने भी गल सुन लो मेरी, जे तो रात कटा सकते हो तो देख लो, मैं थोड़ी बेइज्जती नहीं चाहता, भी तुम रात कटा सकते हो तो रख लो, नहीं कटा सकते मैं लै जाना। अच्छा। उन्होंने कहा भी एडी गल कोई नहीं, असीं रहे इकट्ठे, अज की रात असी जिकन भी मर्जी कट्टीए। असी सौ गए जी, तिने भाई तिना गुठा से खड़े रहे सारी रात। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सब दा पंजाब की टीम इस टाइम गुज्जर फैमिली के बजुर्गों के नाल बैठे हैं, जिन्हां दा पिछला ज़िला लुधियाना सी। इन्हां दी बहुत ही दर्दनाक कहानी सुनांगे इन्हां दी ज़ुबानी। इन्हां ने अपनी अखां दे सामने अपने भरा नूं मरदियां वेख्या। उस तो बाद जिहड़े इस पिंड दे विच मुसलमान रहिंदे सी, उन्हां नूं, उन्हां दी औरतां नूं खूहां 'च छाला मारदे वेख्या। की कुछ होया सी उस वेले, किहड़ी नेरी चली सी जिहड़ा इन्हां नूं सब कुछ वेखना पिया, ते किस तरह एक सिंह सरदार जिसका नाम सरदार सोहन सिंह सी, उन्हें किस तरह इन्हां दी जान बचाई। एक पासे पूरा पिंड ते एक पासे सरदार सोहन सिंह, उन्हें पूरे पिंड नाल दुश्मनी मोल लैके इन्हां दी जान बचाई। अज पुछदे आं ओह सारी कहानी इन्हां बजुर्गां दी जुबानी। आओ मिलिए ते गलबात सांझी करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है बजुर्गो? अल्लाह दा शुक्र है जी, ठीक है। की नाम है अपना? सुलेमान। ते तुहाडे वालिद साहब दा? अब्दुल्ला। ते दादा जी दा? ओदा जमालदीन। सही हो गया। केड़ी बरादरी अपनी? गुज्जर। गोद केड़ी है? चेची जांगी। ते पिछे अपना केड़ा पिंड सी हिंदुस्तान च? पिंड धीनसे। अद्धा पिंड, अद्धी जमीन सरदारां दी सी, ददड़ा चाल वालियां दी, अद्धे सिख बैठे थे उत्थे पिंड च। अच्छा, अद्धे सिख बैठे थे। हाँ, सही हो गया। ते मुसलमानां दे किन्ने घर सी उत्थे? मुसलमानां दे 2-3 घर, गुजरां दे 2, आपस विच चाचे तायां दे 2 बन गए, साडे एक घर गुजरां दा होर था। अच्छा। दो घर तीन मिस्त्रियां दे थे, वो भी मुसलमान थे। अच्छा। खुरियां खारियां लाउंदे थे, सेब भी करते थे। अच्छा, बाकी सब सिख थे या चमार थे। सरदार लदना चाहते थे जिन्हों की इतने जमीन थी। अच्छा। हाँ। लंबड़दार किन्ने सी पिंड दे? लंबड़दार दे दो तीन, तो मैं तो एक ही नाम याद है जिन्हें सानू बचाया। अच्छा, चलो जिहदा नाम याद है वो दसो। सोहन सिंह लंबड़दार था, उसके दो बेटे थे, एक हेडमास्टर था, एक नार सिंह था। अच्छा। दूए नो केर सिंह था। सही हो गया। हाँ। अच्छा, पिंड दे विच मस्जिदां कितनियां सी? मस्जिद कोई नहीं जी, उसका सारा सिखां दा पिंड दा। तुसीं सिर्फ दो घर गुजरां दे? हाँ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਤਿਓ ਸੀ, ਮਾਟਵਰ, ਮੁੱਤਿਓ, ਮਜਾਲੀ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾ ਨਾਗਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਲੋਪੋਂ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮਜਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਘਰ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਤਿਓ ਸੀ, ਮੁੱਤਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ, ਅੱਧੇ ਜੱਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ? साड़ी रिश्तेदारी लरोड़ी थी या बसी थी। अच्छा, बसी थी। सही हो गया। हाँ। नानके कितने थी? नानके बसी थे मेरे। अच्छा, नानके बसी थी। हाँ। ते तुहाडे खानदान दे लोग की काम करदे हुंदे सी उत्थे जदों? असीं तां माल पशु रखदे ते गुज्जर तां। अच्छा। हाँ। मझां दा व्यापार करदे सी? बस माल पशु, गाइयां, मझां, बकरियां, इजड़। अच्छा। इहो जिहा काम तां साडा। सही हो गया। हाँ। उस पिंड दे विच सिखां दा गुरुद्वारा भी है सी? हैगा सी। वो किहड़े बन्ने सी पिंड दे? ओह सी पिंड दे मेरा ख्याल चढ़दे सी। अच्छा, चढ़दे पासे। हाँ। सही हो गया। ते तुहाडे घर किहड़े बन्ने सी पिंड दे? साडे घर दे लैंदे पासे। हाँ। छप्पड़ दा मूहरे सामने, छप्पड़ दे उत्ते ते घर। मकान कच्चे हुंदे सी कि पक्के? मकान कच्चे सी। अच्छा, कच्चे सी। ओह बल्कि सरदार दा इदां किला जिहड़े ते असीं कब्जा कीता है, इहदे च बैठे थे। अच्छा, कच्चा ही किला सी ओह? नहीं, वो सरदार का किला था, तीन पाया था, बड़ा लम्बा चौड़ा, उसे बसेरा माल खड़ जाता था। अच्छा। हाँ। सही हो गया। उस वेले आपां वाह मझां रखी होंदियां सी? आहो। डंगर शंगर? डंगर, मझां, गाइयां। अच्छा, उदों भी गुजर दुद्ध बेचदे हुंदे सी कि नहीं? वो थोड़ा बड़ा ही बेचदे थे, कितें होया जद वाधू हो गया कम, कोई नहीं तो बेचते एडा। असीं तां कोई नहीं एडा बेचते। अच्छा। अच्छा। हाँ, रेड़क रुड़क लेना, घिओ बेच लेना। अच्छा। अच्छा। सही हो गया। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਚੰਗੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਘਰ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਜਿਹੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੇ? ਕੱਚੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦਾ। जट तो वह घुलते भी थे, पहलवान का होंगे। पहलवान सी? हाँ, छे मुसलमान। अच्छा, मुसलमान सी। मुसलमान थे इधर आके मशहूर थे। जमीन भी है सी उन्होंने? है सी। उन्होंने जमीन थी असली बेट च, साड़ी भी उधर थी, उधरों आए थे जुड़ के, बहुत ढेर थे, दो तीन पोस्तां से। अच्छा। हाँ, जमीन पिछे ही थी। पिंड दे विच कोई मेला शेला भी लगता सी? साढ़े पिंड च मेला कोई नहीं लगता। मेले लगते थे नाल, मुत्तियों च लगते था, मातपुर लगता था। अच्छा। इन्हों के पास ऐसे लगते थे। तुसीं जांदे रहे? एक लोपों का मेला लगता था, बहुत बड़ा भारा, मशहूर था वो पंजाब च। अच्छा। उत्थे मेले से दुनिया आती थी, बड़ी बड़ी दूर से। तुसीं भी जांदे रहे वेखण? असीं ते न्याणे ते चले जाना। अच्छा। अच्छा। आने दो लंदे हुंदे थे। सही हो गया। हाँ, आने नाल निबड़ जाना। बजुर्गो जेहड़े उत्थे सिख रहिंदे सी, उन्हां दा वर्ताव किदां हुंदा सी तुहाडे खानदान दे नाल? जिस बाद असीं बैठे थे, उस वक्त साडा खानदान बड़ा साडे नाल बड़ा पड़ता था, बड़ी मुहब्बत करते थे। जिस वक्त पता लग्या ना भी ये कम होया, असीं उत्थों उजड़ के चले गए लरोड़ी। सही सलामत गए सी पिंडों? उत्थों तो बिल्कुल सही सलाम चले गए। अच्छा। जेड़ा कोई माल मत कुछ साम सूम के, कुछ जिंदा ला गए, तो कुछ चक के लै गए माल बस जा वड़े। अच्छा उत्थे फिर घेरा पाया चार छपेरे पिंड के, पिंड की बहुत बड़ा। अच्छा मिलटरी किन्हां दा पिंड सी ज्यादा? गुजरां दा। अच्छा गुजरां दा पिंड, बहुत सारा पिंड गुजरां दा था, बहुत बड़ा पिंड था। अखीर जी उत्थे जे चले गए, उत्थे फिर दो चार दिन फिर घेरा पै गया। अच्छा मिलटरी आ गई तो दुनिया आए आ गई, जानी कीड़ियां को दुनिया दुनिया दिखती थी चार छपेरे। इन्ना मुल्क आया उन्होंने मारन वास्ते उस पिंड नूं, उस पिंड नूं। बस फिर शाम को दिन छिपण से पहला शुरू करती इन्होंने गोली। सारी रात फूकते रहे, घर फूकते, अग लाते, जनानियां मार छाला मार गईयां अग च। अच्छा एक खूह था मसीत दे विच, बहुत दूर पानी था। वो मसीत के उत्ते मैं खड़ के देखा, हेठों आवाज मार दी भी उत्तों छाल ना मारे हुण नहीं डुबन दा। अच्छा एक खूह भर गए थे, बीबियां थलों आवाज दिंदियां सी कि हुण ना छाल मार, हुण ना मारियो हेठ आए मारनी हुंदा। हाँ इन्नी दुनिया उत्थे डिगी थी, उत्थे बहुत कतलेआम हो गया। उत्थों फिर निकलिया 3-4 किले जानी मुर्दे ते पैर रखदे आए तुसीं। आह इन्नी की दुनिया मरी थी, रलमें ही मर गए। फिर उत्थे गली थी एक, गली दे विच बावा सी, गली दे विच दा सिख पड़ गया बेतहा। अच्छा अगों को मुंडे ते 3-4 गुजरां दे भी मरे तै गई हैं, एक को वर्षा दा एक को गुंडासा दा। अच्छा वो मैं देखिया टाकी च बैठे ने, उन्हें उत्तों मारना हेठों वर्षा, दूए ने उत्तों गंडासा मार लेना, दो करके गां। मुसलमान भी मारे और सिख भी मारे, जिहदा हिसाब कोई नहीं। उस पिंड च मतलब दोनों पार्टियां मरियां। उत्थे गली जी विच जो कोई डिके आ गया, चंद मरे ने सिख तां, मुसलमान मरे ने, बड़े बड़े सान गुजर मरे ने उत्थे। अच्छा बड़े बड़े सान जिन्हां ने 10-10 बंदे अगे कोई शैन दी अटदी ना, वो उत्थे गोली ने मरे ने। अच्छा मिलिट्री ने भी हमला किया? मिलिट्री, मिलिट्री रियासत दी। मिलिट्री मारदी थी सिखां दे, कितों मरदे ते असीं नाल रले होने ना, सिखां नाल कोई नहीं जे मरदे सी, मुकाबला पूरा था साडा। सुबह से लग गई 12 बजे तक लड़ाई। 12 बजे नू मेरे चाचे ने मेरे ख्याल हज़ार ही बंदा मारिया सिखां दा। तुहाडे चाचे ने? चाचे ने, चाचे को की रैफल सी? नहीं उहदे को वर्षा दा, दुनिया ऐ जुड़ी थी। अच्छा ते उहदे नाल पिछे दा इक जट, हो तैनूं मैं दसदा भलमान, उहदे कोई वर्षा दा, उह सहारा नहीं आया, फिर उहनूं लगी गोली। अच्छा जट नूं कमार दे उल्ले बैठा था, उहने मारिया फायर, छरले लगे वे। अच्छा 200 छरला वो पिट से लग्या, वो गोडियां भार डिग गया। मेरे चाचे नूं कहंदा भी पिछे ना हटी हुण ये उठे ना। अच्छा उन्होंने गोली पैंदे नूं उन्हें जाके उन्होंने रगड़ता मारिया, बरसा मारता। अच्छा मगरों फिर घोड़ियां पईयां, मुड़दे करदे नूं जी घर आ गए। वो आ लिया चक, उहदा खून बड़ा चलता था। अच्छा खैर जी वो रात नूं रिहा जद हमला पै गया, वो रात में निकलिया। अच्छा तो मकौदी की जट्टां की मुसलमानों की उत्थे पहुँच गया था। तुहाडे खानदान दे उस हमले दे विच किन्ने मरे बंदे? उत्थे मेरा एक भरा मरिया, सका सका। अच्छा मेरे तो छोटा था, कुदरती मैं इस गली बढ़ गया, वो इस गली नूं हो गए, तो वह इस पासों मारता, मैं उत्थों बच गया। मैनूं साडे पिंड दे टक्कर के मूहरे। अच्छा वो टक्कर के करदे कराउंदे जी उन्होंने सानूं उत्थों बचा लिया। उतों दिन छे निकले, असीं आ गए पिंड अपने, वापस उस सिखां दे पिंड, अपने पिंड ही आ गए। वो पिंड आ गए, एक बड़े बेली हुंदे ते उन्होंने हवेली बाहर सी, उत्थे असीं हवेली कोलों लंघदे आं तां उहदा छोटा भाई रोटी लेके आउंदा बड़े दी। अच्छा वो सानूं देख के पहले डर गया, खड़ गया, कहंदा कौन हो? मैं असीं। तुसीं किन्ने जी सी उस वेले? असीं सी 4-5, मेरी माँ, चाची, मेरे चाची दे न्याणे से 2-3। बाला साहब भी नहीं? बाला साहब उन निकल गए थे रात में, निकल गए। अच्छा 5-6 बंदे थे, निकल गए रात में। अच्छा वो निकल गए साढ़े नानकिया उधर बेट था पर जा बड़े, और नंगे निकल गए। उन्होंने तो पता भी साढ़े जी मारे गए। अच्छा असी लंबड़दार को आ गए, उतों जब गांह तुरे, लंबड़दार का की नाम सी? सोहन सिंह। अच्छा सोहन सिंह को आ गए तुसीं? असीं उहदे कोल आउणे, उहदा नाम शेरा था। वो सानू कहता चलो लंबड़दार दे, असीं उधर नूं तुर पे। जदों उहदा बड़ा भाई अंदर बड़िया, कहता कौन से किहदे नाल गल्लां करदा था? कहता कोई नहीं, कहता तू गल्लां करदा था। फिर उन्हें दस्सिया भी न्याणे ते गुजरां दे, कहता भज कुड़ी जावे लंबड़दार दे मार देणगे। अच्छा तू भज अपने कान लिया। अच्छा वो भजे ही आंदा सानू अगों बुलांदा नहीं भी कोई सुन ला लगे। अगों आके घेर के सानू कहन लगे जुनो घर नूं लै गया। अच्छा घर नूं लै गया तो छोटा भजदा जी दे घर लै गए। जद नूं वो भी रोटी खा के आ गया। अच्छा उत्थे बह गया अपने टब्बर नूं पुछदा भी रोटी पका असीं जिहड़ी हैगी है सानू इह दे दे सानू कोई भुख नहीं। अच्छा थोड़ी जी रोटी देती सानू दुध देता। पिंड लग गया सारा इकट्ठा होण उस जगह ते उत्थे उहनां दे घर। उधरों आ गए उधरों आ गए सारे पिंड जानी आ गया। लंबड़दार भी आ गया। उन्होंने वो मिंजा डाता उत्थे बैठा रहा चुप करके उन्हें कोई गल नहीं की। अच्छा सारी रात उत्थे बहुत चिर गल्लां रहियां फलाना फलाने थों मर गया फलाना फलाने थों मर गया। आपो अपनी बोली बोलते रहे। अंदर वाड़िया नहीं बाहर बैठे थे उन्होंने बिच। हाँ वो तिन्ने भाई खड़े थे। अच्छा हाँ तिन्ने तिन्ना नुकरां ते खड़े थे। हाँ बस बस लै जी वो अखीर एक कहन लग्या साडा गवांढी दा कहंदा इन्हां नूं गां तोरो। वो कोल खड़ा था मारी लत्त रेड़ के मारिया तेरी भैण दी अगे तां पेशाब नहीं लंघदे इन्हां नूं कहना तूं तोरो गां। वो लड़ गया जी पिंड सारे उठ के चले गए। कोई किधर नहीं चले गया किधर नहीं चले गया। आप अपने गए लंबड़दार बैठे रह गए। लंबड़दार ने कहा उन्हें साउंड सुने भी गल सुन लो मेरी जे तो रात कटा सकते हो तो देख लो। मैं थोड़ी बेइज्जती नहीं चाहता भी तुम रात कटा सकते हो तो रख लो नहीं कटा सकते मैं लै जाना। अच्छा उन्होंने कहा भी एडी गल कोई नहीं असीं रहे कट्ठे अज की रात असीं जिकन भी मर्जी कट्टीए। असीं सौ गए जी तिन्ने भाई तिन्ना गुट्ठा से खड़े रहे सारी रात। अदाना तो पहला लंबड़दार आ गया आके कहना शाबाश सानू कहना उठो भाई करके है भी रोटी टुकाओ। साढ़े जाते उन्हें रोटी लस्सी लैके ना वो नूंह आ गई लस्सी पीती। और सानू वो नूंह कहती है वे मेरी मां नूं भी भैन जिन्ना चिर साडा बच्चा बच्चा नहीं मरदा उन्ना चिर तुसीं नहीं छेड़ थोनों नहीं कोई छेड़ सकदा असीं उत्थे मरांगे। लै जी असीं लंबड़दार दे आ गए रोटी पानी सानूं दिंदा रहा पिंड नूं सुनेहा दिंदा रहा इकट्ठे हो जाओ। अच्छा दरवाजे रोज़ ऐलान होवे कोई ना सुने ओहदी। तीजे दिन कहंदा आउणा आ जाओ नहीं तुहाडी मर्जी है। अच्छा वो फिर 4 बजे ना इस वेले जानी इस वेले तो पहलां दरवाजे सारे पिंड इकट्ठा हो गया। मैं भी कुदरती फिरदा फिरदा उत्थे चले गया। वो लंबड़दार के पिछे खड़ गया मैं। उन्हें गल च पला पा रहा हथ बने कहने लगे भी गुजरां दे बच्चे कहने आ इन्होंने मुसलमान रखो इन्होंने सिख बना लो इन्होंने जो कुछ मर्जी है कर लो मारो ना। मेरा हथ बन के सवाल है। वो 10 मिनट चुप करके कहने लगे लंबड़दारा कल नूं ऐसे वेले असीं मार देने अपना चारा काली पिंड वाले ने कहा पिंड वाले सारे ने कहा कल नूं ऐसे वेले असीं ये मार देने अपना तू चारा काली। अच्छा मैं तो उत्थों नठिया फिर वो फिर खट गया फिर मारिया आना उन्हें कोई तरला उठ के आ गया। वो पुत पुछदा भी की होया वो जब पुत पुछदा भी की होया कहने लगे भी होना की था कम बढ़ गया घोड़ी लिया घोड़ी बड़ी कम दी चमार नूं कहना काठी पा के लिया। अच्छा। नौकर था वो काठी पा लिया काठी पा गया कुर्सी जी डाही थी उत्थे मैं भी बह गया वो बैठा ही लग गए। अच्छा घोड़ी दे दत्ते लंड समराले चले गए। अच्छा समराले जाके थानेदार नूं पुछदा भी कानून की कहंदा हुण जे कोई मुसलमान रखने चाहे की करना चाहना। वो कहता 3 दिन मार्शल लगी थी कोई मारन का आर्डर नहीं किसी नूं। अच्छा। दुनिया उधर उधर हिलाई थी मारन का कोई आर्डर नहीं इधर अपनी हुकूमत उधर उन्होंने मारी जाते ने कोई नहीं पुछता। तो कहता सिर्फ 3 दिन मार्शल लगी थी जिसकी वजह से ठाले दे जे तुसीं मुसलमान रखने कोई आर्डर नहीं मारन दा। अच्छा तू रख सकदा तैनूं लोड़ आ असले दी ओह लै जा तैनूं लोड़ आ पुलिस दी ओह लै जा। वो कहना ना मैं पुलिस की लड़ है ना मैं उसले की लड़ है लो जद ही मुड़िया। अच्छा आगे प्यो पुत ने फिर पूछा वो कहना जी कोई गलबात नहीं मैं तेन ये कहना जी इन्हों के बच्चों एक बच्चा ही भुर गया मैं क्या मतलब ज़्यादा मूल देखो लड़ू नस्ली बंदे सी हो बाबा जी क्या मूल दिखाना कहना तेरा आर्डर हो गए मैंने पिंड सारा फूकना पवे मैं फूकता देखना कर यकीन कर जेडे अगर टाइम दिता तो उसे वक्त आ गए वो बंदे सारा ही पिंड अच्छा बरसे फड़े को किसी ने कुछ मारिया नारा रख के और चमार को कहना भज के फाटक ला ले उन्हें भज के फाटक लाता अच्छा अभी तीन बंदे बैठे हैं मुसलमानों एक जट्टां का कोल साढ़े वह बैठा है जोड़ा कहता भी मैं जिन्होंने कहता मैं तेन मूँह दिखाना उन्हें उन्होंने कुंडा लवाता जिंदा ठुकारता आ जी बरसे ला के मारन सिखा से लंबड़दार गाला क्डन शुरू करती लंबड़दार बकवास कर लंबड़दार बैठक चो उठा उठ के वो हल आया कहना कैम है कैम है उन्हें राइफल चक्की पक्की 303 की राइफल जिहदे कोल जट को निकल के बाहर खड़ गया कहने लगा सीधी ना मारी कितना मदाद कर गया कहना सीधी ना मारी डरा ला पहले वो जिहड़े पासे मूहरे बैठकां थीआं बाहर नूं दरवाजे से वो बैठ के जाके पिस्तौल वो हाथ चले भर के मारिया कंड च रख डड़ाल करके उन्हें फायर किया नंगे बरोटे के बच्चे तड़ तड़ दो दुनिया को कुट गए भज गए कोई डिग गया कोई नठदे ने साढ़े मूहरे मेरे को बरसा रखसा भी कुट गए कदा मार दो अच्छा वो कोई बदला ले लो अच्छा सानू सुख नहीं सुनते ही नहीं भी असीं जाना कि इन्नी भी नहीं भज के अंदर लुक जी उत्थे सौ गए थे बस फिर लंबड़दार ने जी सानू मलेरकोटले तक मदद दी है उस लंबड़दार ने अखीर इत्थे पहुँच गए हैं इत्थे मेरा बाबा जींदा था अच्छा इत्थे असीं पुर गए फैसलाबाद अच्छा गोजरे नाल अच्छा बाबा जी जदों आखिरी वारी तुहानू मलेरकोटले छड्डन आए उदों फिर कोई गलबात हुई आपस च उन्हां दा शुक्रिया अदा कीता तुसीं उन्होंने शुक्रिया अदा करना तो पहले तो सूँ कोई सलाह ही करते रहे यानी मिलटरी ने सूँ आना तो लैन पता लग गया था अच्छा भी उत्थे मुसलमान बैठे ने मिलटरी इधर जाती थी अच्छा 3 महीने उन्होंने मार्डर का उत्थे रहन का कट्ठे करते थे 3 महीने बाद आ जाते थे अच्छा वो आया था इतों मेरे चाचे ने दसिया था भी साढ़े पिंड च बैठे ने साढ़े जी वो लेके आई अच्छा वो असीं उत्थे आ गए वो अच्छे बैठे रहे खी रखे उन्हें लंबड़दार ने कहा भी हूँ असी क्या जी हूँ देख लो थोड़ी मर्जी है खर्चा सानू उन्हें हर किस्म का दिता रोटी कपड़ा दाने फके साढ़े घर से सानू पछा दिता जोड़ा थोनू छेड़ेगा ना मैं देखूँगा सानू किसी ने भी छेड़िया अब उत्थे सानू रोटी पानी भी हर खर्चा उन्हें चक लिया जी अच्छा मलेरकोटले फिर बंदे ही भेजे थे उन्हें अच्छा बंदे भेजे थे हाँ बंदे भेजते कोई नाल जाके असीं उत्थे छड्डे उत्थे गांव रिश्तेदार थे साडे अच्छा अगले लगदे इन्हां दे तुहाडे वालद साहब कित्थे मिले सी हैं ओह तां इंडिया च इधर आके अच्छा इधर आके मिले हाँ ओह तां इधर लंघे 30 दिन ओह जो उत्थों लंघदे चलिया थोड़ा जिहा सिख उठे नहीं जद इत्थे आ गए थे अच्छा फैसलाबाद आ गए थे सही सही 3 दिन हो गए थे कहंदे उठे नूं जिस दिन असीं उत्थे 98 गुली च आ गए थे उत्थे 3 दिन सिख उठन गए थे जो उत्थे आ गए थे सही हो गया अभी फिर उत्थे जाके मिले हाँ सानू आ गए उत्थों लभ गए ना फिर आ गए इधर जब असीं आए मलेरकोटले गड्डियां च बड़े जाब नाल उपड़े वो भी 2-3 घर दे किन्ने जी शहीद होए सी उत्थे असीं हाँ जी तुहाडे खानदान दे असीं घर दे खानदान दे थे 6-7 अच्छा यानी एक मेरा भरा मरिया एक मेरे चाचे दी धी मरी है बस एक बच्चा होर मरिया था होर कोई नहीं बस सारे सही सलामत आ गए थे हाँ मेरा दादा भी आ गया दादी भी आ गई वो इधर आके फौत हुई दादा दादी जिहड़े सी वालद दे नाल सन हैं आहो नहीं कल्ले कल्ले ही आए ने रल के कोई नहीं उधरों आया ओह कल्ले कल्ले लभदे आए ने किते किते जिहदे नाल कोई सहारा लगदा रहा ते फिर तुसीं इस पिंड कितनी देर बाद आए हो गुजरात इत्थे हां जी इत्थे दा थोड़ा चिर होया थोड़ी देर पहला उत्थों मैं आया इतने मराई वाला पिंड है बड़ा वड्डा, उत्थे जमीन ली थोड़ी जी, उतो लैके वो बेची, फिर आके इत्थे लई। इत्थे मेरे भाई लगते थे मसेर, वो कहते इत्थे आ जा, फिर इत्थे आ गया। इन्होंने हो गए मेरे ख्याल 15-20 साल। सही हो गया। अच्छा बाबा जी माशाल्लाह वो जिहड़ा तुहाडा लंबड़दार सी, हां उन्हें पूरी तुहाडी हिफाजत, पूरी हिफाजत कीती, पहरा दिंदा दा। अज भी तुसीं उन्हां लोकां नूं याद करदे जिन्हां तुहाडी हिफाजत कीती, ओ याद आउंदे रहिंदे ने तुहानूं? वाह, याद आउंदा ही आ जिहड़े किने कीती होवे। कदी अगर हुण तुहानूं उन्हां दे खानदान दे नाल मुलाकात हो जाए, हां ते उन्हां नूं कोई सुनाह देना चाहो तुसीं? सुनेहा हुण साडे कोल तां इहो जिहा है नहीं, इही है सलाम दुआई बस। हां नहीं कोई उदों तो शुक्रिया अदा नहीं होया, हुण तुसीं शुक्रिया अदा करदे हो ना? आहो ते कर सकदे, नार सिंह दा पुत्तर है, आप तां लमड़दार नहीं होना, नहीं होएगा। हां शुक्रिया अदा उन्हां दी करदे आ, लमड़दार दा, नार सिंह दा, जिन्हें साडी इन्नी हिफाजत कीती है, शुक्रिया अदा आदा जी। ते जेहड़े 3 भाई सी जिन्हां ने तुहानूं अपने घर पहली रात रखिया, ओ सज्जन बेली दे, उन्हां दा भी नाम लै दिओ। इक नूं शेरा दा, इक नूं मेरे ख्याल नार सिंह दा, इक नूं भेला दा। वाह जी वाह, वो भी बहादुर मां के पुत्र सन। हां कट्ठे ही रहते, जो कट्ठे रहते थे फिर हूँ। अगर थोड़ी वीडियो उधर जाए, उन्होंने खानदान के नाल राबता हो जाए तो गल करोगे उन्होंने नाल? आहो कर लांगे जो कोई होया। चलो जी जरूर है, उत्थे तक वीडियो जाएगी तो थोड़ा इंशाल्लाह राबता कराने की कोशिश करांगे। वो जेड़ा एडा वड्डा उन्होंने थोड़े उत्ते एहसान जिंदगियां बचाइयां, इंशाल्लाह जी वो भी देखते होंगे वीडियो ते तुहाडे नाल गलबात करनी। एक ए सी, हां जी, लंबड़दार ते सान मारिया, लंबड़दार दे 2 हाल चलदे थे। अच्छा चंगा काम था, उते हो गया कत्ल। अच्छा वो आ गया अंदर, मेरे बाबे ने नाले पैसे लाए। अच्छा नाले ओदा काम चलाउंदा रहा पिछों। अच्छा ओनू छडा के लिया गया, बरी कराया। वो सान उन्हें इधर इंडिया जिन्हें चिट्ठी पाई भी मैं तेरा आसान अजय दे नहीं सकिया, बच्चे तेरे तेरे को घर पहुंच गए पर तेरा मैं आसान नहीं दे सकिया। वाह जी वाह, आसान नूं आसान दा कमाल दा बंदे सा। वो मेरे बाबे ने कराया था, उन्होंने तुहाडे भी बजुर्गां ने उन्हां उते आसान कीता सी। हां उन्हें भी बसारा, उन्हें कुर्बानी दे दित्ती जी, पूरे पिंड नूं, एक साइड ते पूरा पिंड सी, एक साइड ते आसान। हां कल्ले दा बड़ी गल है जी, बड़ी बहादुरी वाली गल है। हां ते इंशाल्लाह जी बुजुर्गो पिंड तुहाडे जाएगी ते तुहाडा पिंड वेखण वास्ते दिल करदा? आहो जी दिखा देना, बड़ी बेहतर है। चलो जी कोशिश करांगे तुहाडा वो पिंड भी विखा देन। वो सरदार जी हुणां जिन्हां दा नाम लिया तुसीं, उन्हां दे भी वो घर विखा देन। पता जड़ा एक लंबड़दार, दूआ दा ओदी दा जायदाद ते बहुत ही अच्छा। अच्छा ओदी जायदाद बहुत, दूए लंबड़दार दी। सही हो गया, ये छोटी, ये मालक छोटा ही था। ठीक हो गया, चलो जी बहुत मेहरबानी बुजुर्गो, बड़ा चंगा लग्या तुहाडे नाल पुराणियां गल्लां शेयर कीतियां तुसीं, बहुत शुक्रिया। सब दा पंजाब चैनल नूं सबसक्राइब करो ते बैल आइकन नूं भी दबा दिओ नवीं वीडियो देखने वास्ते।